हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जीत सिन्हा एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, दैट इज पार्ट वन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स बिगिन। सो आर्टिकल वन डिफाइंस नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। सो फर्स्ट, इंडिया, दैट इज भारत, सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। सेकेंड, द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर ऑफ सेल बी अप्लाइड टू एज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। थर्ड, द टेरिटरी ऑफ इंडिया सेल कंप्राइज ऑफ टेरिटरी ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। सो अब हम लोग जानेंगे कि एक्वायर्ड टेरिटरीज का मतलब क्या होता है। तो एक्वायर्ड टेरिटरीज बेसिकली वो टेरिटरीज हो गई जो भारत अपने फॉर्मेशन के बाद या किसी भी तरह कॉमेंसमेंट के टाइम या फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के कॉमेंसमेंट के बाद एक्वायर करती है। सो एक्वायर्ड टेरिटरी कैसे की जाती है? तो फॉरेन टेरिटरीज जो एक्वायर की जाती है वो इधर बी एडमिटेड इन टू द यूनियन, एक तो पहला यूनियन में जाती है, सेकेंड है न्यू स्टेट में मिलती है, थर्ड एक एग्जिस्टिंग स्टेट में वो मिल जाती है। सो ये हेल्ड किया गया था हरिवंश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सो अब इट वॉज हेल्ड इन बेरूबेरी एक्सचेंज इन क्लिप्स। आर्टिकल वन डज नॉट कन्फर पावर टू एक्वायर फॉरन टेरिटरी। आर्टिकल वन डज नॉट गिव एनी पावर टू एक्वायर फॉरन टेरिटरीज। दिस मीन्स दैट आर्टिकल वन डज नॉट गिव पावर टू एग्जीक्यूटिव टू कैप्चर एनी टेरिटरी। ऑल द एक्विजिशन ऑफ फॉरन टेरिटरी डज नॉट फॉल, इट इज गवर्न बाय इंटरनेशनल लॉ। इट वॉज हेल्ड इन जोसे डे कोस्टा बेस्कोरा सदासिवास यानी नेरकोनिन। That acquisition of foreign territory does not fall under Article 1, rather it is a matter of international law. Third, in Rambadan Rai versus Union of India, it was said that the territories of state as on commencement of constitution was not frozen and the constitution provide prospective changes include alteration of boundaries. So, हम लोग अभी पढ़ेंगे कि कैसे alteration of boundary होती है वो Article 3 में। So, ये बताया गया कि स्टेट जो कमेंसमेंट के टाइम हुआ था फॉर्मेशन, वो ज़रूरी नहीं है कि वही मेंटेन रहे, चेंजेस और हमेशा नेसेसरी हो सकते हैं। और कोई भी आर्टिकल 3 के हिसाब से कोई भी लेजिस्लेचर के पास, पार्लियामेंट के पास ये पावर होता है कि वो कोई भी स्टेट की बाउंड्री इंक्रीज कर दे या डिमिनिश कर दे या बाउंड्री अल्टर कर दे या नेम किसी भी स्टेट का अल्टर कर दे। और आर्टिकल 2 में ये बताया गया कि कैसे एक हम न्यू स्टेट एक्वायर करते हैं। सो आर्टिकल 2 एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म एंड कंडीशन एज इट थिंग्स फिट। सो यहाँ पे थिंग्स फिट क्या है? क्या वो जो पार्लियामेंट के पास ऐसा पावर है कि वो कुछ भी मनमानी टर्म्स पे किसी भी स्टेट को एस्टेब्लिश कर सकता है? तो ये आरसी पौधवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 2 डू नॉट कन्फर ऑन पार्लियामेंट एन अनरिव्यूएबल एंड अनफेटर्ड पावर इम्यून फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी। सो ये कहा गया था कि जो थिंग्स फिट यहाँ पे बोला गया है आर्टिकल 2 के अंदर, वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है और ये कोई इस पावर का भी लिमिट है। ये पार्लियामेंट चाहे तो वो अपने आर्बिट्ररी कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता क्योंकि ये रिव्यूएबल है अंडर सुप्रीम कोर्ट। फिर है नेक्स्ट केस, मंगल सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि पावर कन्फर्ड ऑन पार्लियामेंट इन आर्टिकल 2 इज नॉट पावर टू ओवरराइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। सो दो केस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो केस बताता है कि थिंग्स फिट ये नहीं है कि जो पार्लियामेंट कुछ भी कर सके, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अंदर ही काम करना है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द मेन लॉ ऑफ द लैंड एंड एवरीबडी हैज टू फॉलो इट। सो नाउ मूविंग टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 3 गिव्स दैट पार्लियामेंट हैज द पावर टू इंक्रीज एंड डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट, ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। सो यहाँ पे अब ये है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी स्टेट को बाउंड्री को बड़ा कर सकता है, छोटा कर सकता है, नाम बदल सकता है या फिर किसी भी बाउंड्री को ऑल्टर कर सकता है। तो अब पार्लियामेंट कैन टेक द व्यू फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेचर। अब पार्लियामेंट के पास ये है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर का व्यू ले सकता है, लेकिन पार्लियामेंट ये बाउंड नहीं होता है कि वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे आइडिया को। अगर स्टेट लेजिस्लेचर रिजेक्ट भी आइडिया को कर देता है तो पार्लियामेंट वो अपने मन से उसे जो ठीक लगे एज इट थिंक फिट्स वो एक्शन ले सकता है, लेकिन फिर वही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अंदर होना चाहिए।
सो आप बताइएगा, क्या ये जो फीचर है ये फेडरल इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर को कहीं हार्म कर रहा है? सो बहुत से लोग कहते हैं कि इंडियन फेडरलिज्म इज़ क्वाज़ाई फेडरल, सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ दैट शोज दैट आर फेडरल सिस्टम इज़ क्वाज़ाई फेडरल. सो सेशन ऑफ टेरिटरी, क्या टेरिटरी हम लोग उसे कोई छीन सकता है हमारी टेरिटरी को? तो आंसर है कि पार्लियामेंट चाहे भी तो हम किसी को दे नहीं सकते. नो, नॉर्मल केसेस में पार्लियामेंट सेशन ऑफ टेरिटरी नहीं, किसी अपना टेरिटरी लूज नहीं कर सकता है. लेकिन टू सेटल बाउंड्री डिस्प्यूट्स, इंडिया हैज़ एग्रीड टू ट्रांसफर सम ऑफ द टेरिटरी टू पाकिस्तान. सो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ये है आर्टिकल 3 के अंदर आएगा या कौन, आर्टिकल 368 के अंदर आएगा? क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये समझाया कि मंगल भाई के केस में ये समझाया कि जो आर्टिकल 3 है वो ये बताता है कि अब जो स्टेट डिमिनिश होगा वो इंडियन टेरिटरी का ही पार्ट. मंगल भाई के केस में ये क्वेश्चन आया था कि आर्टिकल, जो एक सेशन ऑफ टेरिटरी होता है, क्या वो आर्टिकल 3 के अंदर आएगा या आर्टिकल 368 के अंदर आएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो आर्टिकल 3 है वो इंटरनल मैटर्स के लिए, जो टेरिटरी डिमिनिश होती है या फिर जो इंक्रीज होती है बाउंड्री में वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट होता है. लेकिन थ्री जो हम लोग किसी दूसरे कंट्री, फॉरेन कंट्री को अपनी टेरिटरी दे देते हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है जो कि 368 का पार्ट है. सो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा ना कि आर्टिकल 3 के अंदर, क्योंकि आर्टिकल 3 सिर्फ इंटरनल मैटर्स के लिए है. और अगर किसी फॉरेन कंट्री के फेवर में अपनी टेरिटरी जा रही है तो वो फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही पॉसिबल है. सो अब आर्टिकल 4 बताता है कि अमेंडमेंट बाय आर्टिकल 2 एंड 3. सो एनी लॉ रेफर्ड इन आर्टिकल 2 और 3 शैल कंटेन सच प्रोविजन फॉर अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल एंड द फोर्थ शेड्यूल एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ लॉ एंड मे ऑल्सो कंटेन सच सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल पोजिशंस इंक्लूडिंग प्रोविजन एज टू रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट एंड इन द लेजिस्लेचर और द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट और स्टेट्स अफेक्टेड बाय सच लॉ एज पार्लियामेंट मे डीम नेसेसरी. सो ये बताता है कि जो आर्टिकल 2 और 3 में प्रोविज़न है, अगर उनसे कोई अमेंडमेंट होता है तो फर्स्ट शेड्यूल, जो भी सप्लीमेंटल, जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस होते हैं, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल पोजीशन शुड बी इन डिटेल्ड मैनर, उसमें भी चेंजेस आने चाहिए ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर सके. अब जैसे मान लीजिए एक स्टेट डिवाइड हुआ, तो एक स्टेट जैसे यूपी डिवाइड होके उत्तराखंड में बंटा था, तो उत्तराखंड का जो अब अलग उसको हाई कोर्ट की ज़रूरत है, तो ये सब ध्यान में रखना होगा जैसा कि पार्लियामेंट नेसेसरी समझे. सो अब यहाँ पे जो आखिरी पॉइंट है, नो सच लॉ एज एफोरसेड शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368. सो आर्टिकल 368, जो भी आर्टिकल 2 और 3 में अमेंडमेंट होता है वो आर्टिकल 368 का कोई पार्ट नहीं होता. दिस इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दिस इज़ जस्ट अ अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, एंड दिस कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड और कॉल्ड एज अमेंडमेंट एक्ट. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू.